हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं हनुमान जी की ड्राइंग बनाने वाला हूँ ब्रशों के पेपर में। एंड आज के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑयल पेस्टल डॉम्स के। तो आउटलाइन को मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया था। मैं इसको थोड़ा डार्क करने के लिए पाँच वाला वॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे इतना आइडिया तो रहे कि कौन सा कलर कहाँ पर फिल करना है मुझे। आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद अब मैं करूँगा कलरिंग स्टार्ट। सबसे पहले मैं मुकुट से स्टार्टिंग करूँगा येलो कलर का यूज़ करके। एंड इसके बाद सेकेंड और थर्ड लेयर को मैं ऑरेंज और रेड कलर से करूँगा। तो अभी ध्यान से देखो मैं कहाँ पे कौन सा कलर कर रहा हूँ। तो कलर करने के बाद अब मैं करूँगा ब्लेंडिंग। तो मैं ब्लेंडिंग करने के लिए फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कॉटन वर्ड या टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड ब्लेंडिंग करते समय आराम से करना, आपकी ब्लेंडिंग ख़राब भी हो सकती है अगर ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो। एंड अब मैं फेस में कलरिंग करने के लिए सबसे पहले लाइट कलर से शेडिंग करूँगा। एंड फुल बॉडी में पहले लाइट कलर से शेडिंग करूँगा एंड उसके बाद डार्कर शेड को दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो मैं कैसे कलरिंग कर रहा हूँ। करने के बाद अब मैं दाढ़ी और बाल पे कलरिंग करूँगा, जिसके लिए मैं पहले ब्राउन कलर से बेस लेयर करूँगा, ताकि इसके बाद जितने भी डिटेलिंग करूँ वो ज़्यादा अच्छी दिखे। तो अब मैं फेस में डिटेलिंग ऐड करूँगा, जिसके लिए मैं टैनबी की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको भी ध्यान से देखना। अब मैं बाकी एरियाज़ में कलर करूँगा, जिसके लिए मैं पहले लाइट कलर करूँगा एंड उसके बाद डार्क करूँगा। जितने भी शेडिंग करनी होगी उसके बाद करूँगा।
अब फिर से मैं पेंसिल का यूज़ करके बाकी एरियाज में भी डिटेलिंग ऐड कर दूंगा। एंड बैकग्राउंड को फिल करने से पहले मैं वाइट कलर का यूज़ करके चारों तरफ बॉर्डर्स बना दूंगा ताकि बाद में जब मैं बैकग्राउंड फिल करूं तो मेरे कलर्स ख़राब ना हो एंड ड्राइंग ख़राब ना हो। एक मिनट, ड्राइंग का सिनेमैटिक शॉट तो देख लो। 3, 2, 1, गो।